अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेट 17th of June 2021, क्लास 7th, सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक एक्सरसाइज 2.2 जो हम कर रहे हैं बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है आज। तो अपनी मैथ बुक निकालेंगे आप, पेज नंबर 43 पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस, पहले हमने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करके हमें इसको चेंज करना है एज द मिक्सड फ्रैक्शन। यानी पहले हमने क्वेश्चन को जो हमें दिया गया है, इसका दो, इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है, और तो मल्टीप्लीकेशन करके उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है उसे हमें मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो चलिए पार्ट नंबर पहला देखते रहें। पार्ट नंबर ए जो है इसका, 3 × 5 = 1/5। इसको हमने पहले मल्टीप्लीकेशन करनी है, उसके बाद मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं पहले पार्ट का। ए पार्ट का सॉल्यूशन है 3 × 5 = 1/5। तो हम करते आए हैं, देख लीजिएगा। पहला स्टेप है 3 × 5 इसको मल्टीप्लाई किया, 5 × 5 = 25 + 1 हो गया 26/5। तो देख लीजिएगा 3 × जो हम करते आए हैं 6, 3 × 6 / 5, तो ये बन गया 3 × 6 = 18, 3 × 2 = 6, 1 हो गया 78/5 हो गया। यहाँ पे यहाँ तक हो गया मल्टीप्लीकेशन हमने किया इसको। अब हमको 78 जो है बाय 5 इसको मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मिक्सड फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे 15 × 75 = 75/3, ये बन गया 78 × 5 को हमने मिक्सड फ्रैक्शन में जब चेंज किया तो ये बन गया 15 × 3/5, ये इज इक्वल टू इसी के बराबर आता है 5 × 15 = 75 + 3 हो गया 78/5, ये इसका आंसर आता है। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट देख लीजिएगा, सेम यही बात है। तो दूसरा पार्ट भी इसी तरह है, 5 × 6 = 3/4। सॉल्यूशन में हम चलेंगे, सॉल्यूशन हम इसी का करते हैं, 5 × 6 = 3/4। तो 5 × 6 = 4, सो क्या मल्टीप्लीकेशन होता है, हो गया 24 × 4 = 24 और 3 हो गया 27/4। देख लीजिएगा 5 × 27/4 ये कोता कितना होता है, 5 ये बनता है 30 135, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10 और 3 हो गया 134/4। तो इसको हमने मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्सड फ्रैक्शन में इसको चेंज कीजिएगा, ये आएगा 33 × 3/4, ये इसके बराबर आता है 30 135/4 हो गया मिक्सड फ्रैक्शन में। इसी तरह से इसका सेम सी पार्ट देख लीजिएगा, 7 × 2 = 1/4। सॉल्यूशन में हम चलेंगे, 7 × 2 = 1/4। तो पहला स्टेप हम करते हैं, 7 × 4 = 8 + 1 हो गया 9/4। तो चलिए 7 × 9 = 4,
माइनस आर 63/4, इसको हमने मिक्सड फ्रैक्शन में करना है, 50:3/4 ये आता है 63/4, 15 × 4 = 60, 60 + 3 = 63/4, ये इसका आंसर आता है। चलिए पार्ट नंबर डी पे चलेंगे हम। पार्ट नंबर डी है इसका 4:4 × 6:1/3। सॉल्यूशन में हम चलेंगे 4:6:1/3। पहला सेटअप 4:3 = 18 + 1 = 19, 3 तो यहां पर हो गया 4:19/3, 4:19 हो गया 76/3, इसको हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे मिक्सर फ्रैक्शन में, तो 25:1/3, 25 × 3 = 75 + 1 हो गया 76/3 हो गया इसका आंसर। इसी तरह से पार्ट ई और एफ आप खुद कर लेंगे। मिनट गई।